हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ कोई सिगरेट्स का प्रोडक्ट है, जो कि उसी का मैं सारा होलसेलिंग प्राइस एंड रिटेलिंग प्राइस बताऊंगा, जो कि मैं अगली बार भी इसी तरह से न्यू वीडियो लाते ही रहता हूँ। तो गाइस, प्रोडक्ट क्या है वो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। मार्लबोरो क्लब मिक्स है। क्या है? मार्लबोरो क्लब मिक्स है। इसका मैं डंडा लेकर के आ गया हूँ, इसका होलसेलिंग पैकेज बोला जाता है वो लेकर के आ गया हूँ। तो गाइस, यही आपका प्रोडक्ट है। तो गाइस, आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड आगे भी शेयर कर दें। तो गाइस, चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो आपकी प्रोडक्ट्स रही सामने, तो इसकी मैं थोड़ा सा पैकेज के रिव्यू करवा दूं और लास्ट में फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी होलसेलिंग प्राइस क्या है। तो पहले पहले मैं पढ़ के बता दूं, तो आप लोग भी पढ़ना मेरे साथ साथ। यहाँ पर देख सकते हो मार्लबोरो क्लब मिक्स है। क्लब मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, क्लब मतलब लंग होता है। लंग जो होता है, लंग का ये उसमें पूरा टेस्ट रहता है और लंग की तरह लगता है, इसका धुआं भी नंग के ही तरह लगता है। ये होलसेलिंग पैकेज है, होलसेलिंग पैकेज में मार्लबोरो क्लब मिक्स लिखा हुआ है। मैनुफैक्चरिंग बाय, आप लोग पढ़ना भी, मैनुफैक्चरिंग बाय इंटरनेशनल टोबैको .com LTD, रजिस्टर फॉर इतना इतना, ये मार्को पोलो ब्लेंड लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि ये मैनुफैक्चरिंग ITC की तरफ से ही माल है। ये ITC की तरफ से है। गाइज, लाइट चला गया मेरे। तो गाइज, ये इंटरनेशनल तम्बाकू ही ITC है। और इसका आप लोग देख सकते हैं कि मुंबई में ही प्लांट है, ये मुंबई में ही बनता है। और इसका भी मार्लबोरो का आप लोग को अगले वीडियो में बताया होगा कि ऑल मार्लबोरो सिगरेट्स का प्रोडक्ट, जो कि आई बटन में लिंक, नीचे में भी लिंक होगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। आप लोग अगर देखना चाह रहे हो मार्लबोरो की ऑल प्रोडक्ट्स की रिव्यू, तो आप लोग देख लेना ज़रूर से। उसमें बताया होगा कि ये इसका ऑनर कौन है। तो इसका ऑनर है फिलिपियन मॉरिसिस, इसका वो है ऑनर है। ठीक, ओके गाइस, ये है पूरा होलसेलिंग पैकेज। और ये मेड इन इंडिया सिगरेट है, ऐसा नहीं कि बाहरी सिगरेट है, नॉट फॉर माइनर्स लिखा हुआ है ये। तो आपको ये मतलब ये हो गया। और इसमें कितना पीस रहता है वो आप लोग पढ़ना है यहाँ पे। तो इसमें गाइस रहता है पूरे, एक मिनट, आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे 10 सिगरेट्स क्रॉस 20 पैकेट्स बराबर 200 फिल्टर सिगरेट्स, लेंथ है 84 mm, जो कि मैं उसमें भी बताया था 84 mm ही लेंथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा ये होलसेलिंग पैकेज है, इसमें 20 सिगरेट्स के पैकेट आएंगे और एक पैकेट के अंदर 10 सिगरेट्स रहेंगे, 10 फिल्टर रहेंगे। और टोटल फिल्टर कितना हो गया, 10 गुना 200 बराबर 200 फिल्टर, मतलब 200 सिगरेट्स रहेंगे इसके अंदर 84 mm की। ओके गाइज, तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। और गाइज, अनबॉक्स क्या करूँ यार, सॉरी, अनबॉक्स नहीं, इसमें मैं पहले ही अनबॉक्स कर लिया हूँ, बट आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा जो है जितना वो सारा चीज़ मैं बता दिया। इसके अंदर 20-20 सिगरेट्स के पैकेट रहते हैं और एक पैकेट के अंदर कितना रहता है वो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, इसमें से मैं 5 यूज़ कर लिया हूँ। तो आप लोग यार सॉरी, इसके लिए इसको निकाल करके देख लेता हूँ। ये रही अपना मार्लबोरो क्लब, इसको क्या बोला जाता है, क्लब बोला जाता है, मार्लबोरो क्लब बोला जाता है, क्लब मिक्स भी बोला जाता है। तो गाइस, यही रही, आप लोग देख सकते हो मेड इन इंडिया सिगरेट्स है, ऐसा नहीं कि बाहरी सिगरेट है, और देख सकते हैं मेड इन इंडिया है। और किस प्रकार से इसका लुकिया है गाइस, ये 2022 का ही लुकिया है, 2023 में इसका अलग चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें सिगरेट्स की संख्या जो है 10 नंबर रहता है, 10 सिगरेट्स के रहते हैं। और क्लब मिक्स का यहाँ पे वो भी बनाया हुआ है, देख सकते हो। तो गाइज, इसको चलिए ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, देख सकते हो आप। तो दोस्तों, चलिए इसको ओपन करके, मैं ओपन जैसे किया तो इस प्रकार से आया, और इसको एक निकाल कर मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से, ये हो गई अपनी मार्लबोरो क्लब, क्या हो गई, मार्लबोरो क्लब, देख सकते हो इसकी फ़िल्टर किस प्रकार से। और जैसे ही पैकेट ओपन किया तो मुझे मतलब इसका पूरा वो लंग का सेंट आ रहा है। मतलब सिगरेट्स में नशा नहीं होता है, सिर्फ वो शौक के लिए होता है ये सिगरेट्स, इसमें कुछ वो नहीं होता है, दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई अपनी मार्लबोरो क्लब। तो गाइज, पूरा इसकी रिव्यू देख लिए, अंदर के पैकेट की रिव्यू देख लिए, अब चलते हैं गाइज इस बात बताता हूँ कि ये आप लोग को होलसेलिंग प्राइस क्या है, रिटेलिंग प्राइस क्या है, और प्राइस की बात कर लूँ। प्राइस के बात बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नहीं आते, चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइज, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ ऑल मार्लबोरो, उसको तो ज़रूर से चेकआउट कर ले, ताकि आपको मार्लबोरो की ऑल सिगरेट्स के बारे में आप लोग को पता चल जाए। इसमें टोटल कितना रहेगा, 20 सिगरेट्स रहेगा, एक पैकेट के अंदर 10 सिगरेट्स निकलेंगे। और पूरे होलसेलिंग पैकेज की बात बता दूँ तो कितना आप लोगों को मिलेगा, 3050 में मिलेगा। कितना मिलेगा, 3050 में। तो 3000 जैसे 50 में मिला, तो आप लोग जैसे ही 20 से भागा दोगे 3050 को, तो 152.50 रुपये निकलेगा। कितना, 152.50 रुपये। होलसेलिंग मूल्य कितना हो गया, 152.5, मतलब 152, सीधा समझ लो 152 रुपये ये आप लोग को सिंगल पड़ेगा। अब ये तो आप लोग को मैं बता दिया होलसेलिंग रेट, अपना लोगों को जो खरीद पड़ता है,
और अपना लोग जो फिर कस्टमर के साथ देते हैं उसको, जो पैकेट बेचते हैं या सिंगल सिंगल बेचते हैं, उस पर कितना बचत होगा, कितना में बेचा जाता है ये, वो मैं सारा बताता हूँ। तो गाइस जैसे ही कस्टमर पैकेट लेगा तो 165 का पैकेट बिकेगा। कितना का बिकेगा? 165, 165 का। ओके गाइस, 165 का बिकेगा। ऐसे दुगुना इसको कर दोगे तो 20 सिगरेट्स वाला जैसे आता बड़ा डब्बा, तो 330 में जाता है, तो खैर वो आता नहीं है, ज़्यादातर यही बिकता है। तो 165 का बिकेगा, तो 165 का पैकेट बिकेगा, तो अपना लोग कितना बचेगा? 13 रुपये। अपना लोगों को 13 रुपये एक पैकेट पर बचत होगा। ओके, और चलिए बात कर लेता हूँ एक सिगरेट की। तो एक सिगरेट की आप लोग को, एक फ़िल्टर, आप लोग को फ़िल्टर ही ज़्यादा बोलेंगे, एक फ़िल्टर कितना पड़ा है? 15 रुपये कुछ पैसे का पड़ा, मान लो 15 रुपये का पड़ा। ये जो मार्केट में आप लोग कस्टमर के साथ दोगे सिंगल सिंगल फ़िल्टर, तो आप लोग को 18 से 20 रुपये में जाएगा, ज़्यादातर 18 रुपये में ही जाता है। तो कितना बचेगा अपना लोग को? 15 रुपये, 3 रुपये बचेगा। 15 रुपये पड़ा, 18 रुपये निकला, तो 3 रुपये एक एक फ़िल्टर पे आप लोग को बचेगा। ओके, तो आई होप कि इसके होलसेलिंग पैकेज का, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग रेट आप लोग समझ गए होंगे, और सिंगल सिगरेट्स और सिंगल पैकेट्स के कितना कितना प्राइस है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो